हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम हैं अपने मास्क काउंटर पे। क्या बना रहे हैं हम आज? हम गार्लिक मास्क बना रहे हैं। गार्लिक मास्क तो ये सारों को घर से निकालने के बाद लगाना पड़ेगा। एक मसला तो इसका ये होगा, है ना, गार्लिक मास्क। ये बहुत अच्छा मास्क है और एंटी एजिंग है। अगर अच्छा। आप इसको वीक में एक दफा लगा लें तो ये काफी रिंकल्स को और जो हमारे क्रो फीट बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमारा एजिंग होना शुरू हो जाती है फेस पे, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए बहुत और सबसे बड़ी बात है, इसको लगाते हुए थोड़ा सा ये देख लें कि किसी किस्म की कोई एलर्जी ना हो। अगर कोई एलर्जी टेस्ट कर लें। हाँ, और इसके लिए हमें जो हमारे पास चीजें हैं, अंडे की सफेदी है, गार्लिक है, कोकोनट ऑयल है और हनी है। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम इसकी अच्छा पहले हम जर्दी हटाएंगे। इसमें जर्दी हटा ली हमने। ठीक है, और अब हमने इसको थोड़ा सा फेंट लिया। ठीक है जी। एंटी एजिंग, अच्छा एंटी एजिंग के बारे में एक सवाल जो है शेरबानो से पूछूंगी कि एंटी एजिंग है ताकि आप एज ना करें, तो इसका मतलब है कि आपने ये चीज़ें जो इस्तेमाल करना शुरू करनी है वो जवानी में ही कर लेनी है, राइट? लेकिन ये कॉन्सेप्ट लोगों को आई थिंक सो कम समझ आता है, क्योंकि देर से समझ आता है ना, जब जब एज हो जाते हैं फिर तो एंटी एजिंग नहीं हो सकती ना, फिर तो एज रिवर्सल का प्रोसेस फिर स्टार्ट करना है आपने, राइट? तो टॉक अबाउट द एंटी एजिंग, तो कोलेजन डी जनरेशन जो है ना आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो 20 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो 20 साल से पहले जो खूबसूरती है वो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। हाँ। लेकिन 20 साल के बाद जो मेंटेन करनी है वो आपकी हिम्मत। हाँ। और आपका हौसला है कि आपने परसिस्टेंट रहना है। सही, ठीक है। बताओ ऑनेस्टली, लोग एक मल्टीविटामिन खा के या सनब्लॉक या नाइट क्रीम लगा के समझते हैं जैसे वी हैव डन एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली जितनी इन नेचुरल चीजों में ताकत है ना, सुन दिस, बिल्कुल और फ्रेश चीज में, वो आपकी ये प्रिजर्व मल्टीविटामिन्स में इतना नहीं होता। डेफिनेटली इवन पेशेंट्स को भी मैं कहती हूँ कि साथ अपनी डाइट जरूर देखो। और जैसे ये अभी एंटी एजिंग कह रही है तो साइंटिफिकली इसके अंदर सल्फर है, जिंक है, एलिसिन है, तो ये सारे एंटी एजिंग पर्पस के लिए काम होते हैं। इसमें ये रेड लाइट क्या है? ये गार्लिक को हमने क्रश किया ना, अच्छा, किया। अच्छा, और उसके बाद इसमें हनी है, हनी भी आपको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और एग वाइटनिंग तो वैसे आपको पता है कि बिल्कुल सही, प्रोटीन। इसको आपने फेंट के और फेस पे लगा, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, दिस इज वेरी गुड जॉब नायला, आई एम माशाल्लाह वेरी इंप्रेस्ड विद योर पेशेंट। थैंक यू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद हर, क्योंकि पिछले शो में मैंने देखा था ना इनका, तो अब कॉम्प्लेक्शन लिटरली मैं आई एम सीरियसली शॉक्ड। और ये कितना अर्सा हो गया, आई थिंक सो 3-4 महीने तो हो गए, है ना, कि एवरी अदर जो है हम लोग का वीक जो है इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है और बालों का भी हो रहा होता है, सिर्फ फेस नहीं, वी डू हेयर। मैं तुम्हारी पेशेंट बन गई हूं। और ये ना मतलब पार्लर में भी होते हैं ना हम लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसे हमारा हर्बल चल रहा होता है, क्योंकि मेरे सैलून में ज्यादातर हर्बल चीजें यूज हो रही होती है। मेरे क्लाइंट, मेरे पेशेंट जो होते हैं उन पे भी मैं यही, जैसे चारकोल मास्क मैं खुद बनाती हूँ, मैंने इन पे भी आजमाया था, लगाया था, तो ऐसे हम लोग होते हैं, कर रहे हैं साथ साथ जो है ना, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जबरदस्त। अच्छी बात ये कि ये न्यूट्रलाइजर अंदर मिक्स करती हैं तो स्किन इरिटेट नहीं होती। हाँ, स्किन बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जिसपे स्केल्स नहीं है, ड्राई नहीं है, लाल नहीं लग रही। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब ये मेरे पास आई थी ना तो इनके साइज की मैं जब जीन्स लेने जाती थी यूनिफॉर्म के लिए तो नहीं मिलती थी, इतनी फैटी थी। अच्छा, और इनको मैंने 2 मंथ योगा कराया, ये खुद बताएंगे कि इनका वेट। अरे आपके लिए तो ब्लेसिंग थी है इस पार्लर में चले जाना, साथ साथ स्किन भी। अच्छा, ये टोटके ना आगे मुफ्त में नहीं बताते? नहीं बताते ना जी, किसी को ना मुफ्त में नहीं बताना, साथ ही है ना कि वो आप आए उधर, आप उधर रहने को, बस मैंने कर दिया ना, मैं बहुत है। बाद में आपसे कोई पूछे स्किन कितनी अच्छी कैसे हुई है तो जाना है। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसी है, आपकी स्किन जो है ना इतनी ग्लोइंग कैसी है, तो मैं उन्हें बता रही होती हूँ, मैं कहती हूँ देख कोई नेचुरली स्किन के साथ नहीं उठता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पर, इसकी बड़ी मेंटेनेंस होती है, बहुत वेयर एंड टेयर है, उसके बाद अच्छे प्रोडक्ट यूज करना, कि जिस दिन डाइटिंग छोड़ोगे उस दिन आपने वेट गेन करना है। वेट गेन, हाँ बिल्कुल, सो यू हैव टू बी यू नो कॉशियस, कि इधर कुछ ना कुछ हम साथ साथ, तो कोई भी अगर आपको कहते हैं ना बस जी
होता है कुछ लोगों पर बहुत करम होता है अल्लाह ताला को, वैसे वाकई बड़ी खूबसूरत उनकी स्किन होती है, लेकिन फिर उनकी इस तरह का अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता कि रोज मेकअप हो रहा है और रोज जो है मतलब इतना कोई एक्टिव भी नहीं है, खाना भी कोई इतना देखभाल के नहीं खा रहे, कुछ ना कुछ आपकी जो है ना वो लाइफस्टाइल के अंदर चेंज जरूर होता है। मे बी अगर आप रोज मेकअप नहीं करते तो आपकी स्किन उतनी फ्रेश हो जाए, लेकिन जो भी इंसान सुबह एक लेयर लगा जरूर करे। मैं हमेशा पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि आप फेस वॉश करो ना करो, क्लिंजिंग जरूर करो। बिल्कुल, जिस तरह डेंटिस्ट कहते हैं ना कि रात को टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करके साफ करके सोया करें, एग्जैक्टली वी गिव अ मैसेज कि रात को प्लीज क्लिंजिंग डर्ट फेस पे होती है ना वो क्लीन करके सोया करें। हाँ। और उसके लिए कोई बहुत महंगे क्लिंजिंग मिल्क नहीं चाहिए, कच्चा दूध आपके घर में है, दूध तो होता ही है ना, उसमें आप 2 या 3 ड्रॉप लेमन जूस डालें, वो फट जाएगा, उससे आप क्लिंजिंग करें और आप देखें आपका कलर भी अच्छा होता है। और अच्छा नायला, मैंने आपसे पूछा था कि जो लिप्स, क्योंकि आजकल सिर्फ स्मोकर्स के नहीं, स्मोकिंग तो प्लीज मैं हमेशा जितनी उसके खिलाफ हूँ आपको पता ही है, लेकिन जो ये मैट लिपस्टिक्स आ गई हैं और फिर ये मैट लिपस्टिक्स के जो फेक्स आ गए हैं जो आपको 100-150 रुपए की भी मिल जाती हैं, इससे आपके लिप्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डार्क काले, और बहुत ही कोई कम ऐसी लिपस्टिक्स होंगी इवन हायर ब्रांड्स की भी कि जो मैट जो भी लिपस्टिक आपके लिप्स से ऑयल से भी नहीं उतर रही, खाने से भी नहीं उतर रही, इसका मतलब कि उसने ऑक्सीजन बंद की हुई आपके लिप्स की और उसकी वजह से आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं। तो लिप्स को वापस पिंक कैसे करना है छोटी सी ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू मैं हिकती मॉर्निंग। हमसे एक सवाल जो है वो कॉलर ने पूछा था, उसका भी हम जवाब देते हैं। पहले रेसिपी हमारी देख लीजिए, तैयार हो गई है और बड़ी ही डिलिशियस अच्छी लग रही है। मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मेरे सामने एलईडी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देख ली है तो मुझे बता दें ताकि हम सवाल पर आ जाएं। और सवाल उन्होंने किया था कि ये जो कोल्ड वेदर है इससे कैसे जो है वो बचा जाए, इसमें क्या अच्छा है। कोल्ड वेदर में एक तो एक्टिविटी हमारी काफ़ी कम हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो बहुत लिथार्जिक हो जाती है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इनटेक ऑफ विटामिन डी अच्छा हो, सही, क्योंकि सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता या सन लाइट इतनी होती, तो विटामिन डी एटलीस्ट वंस अ वीक आपने कैप्सूल विटामिन डी लेना है, 6 कैप्सूल लेके बस बंद। ये बहुत 100,000 यूनिट पर वीक जो डोज है आपकी पूरे एक साल के लिए काफी है। अच्छा जबरदस्त, और ज्यादा हो जाए तो फिर हर जगह इजीली अवेलेबल है विटामिन डी के कैप्सूल, एवरी वीक लें, चाहे आप में डेफिशिएंट है या नहीं है, लेकिन मस्ट टेक इट फॉर गुड इम्यूनिटी एंड फॉर कीपिंग यू एक्टिव। और औरतों में तो यूजुअली आपको पता है बोन के मसले भी बहुत ज्यादा होते हैं, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट टेकिंग, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट आई हैव हर्ड कि बॉडी टॉक्सिक हो जाती है अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाए। इंटॉक्सिकेशन तब होती है जब यू आर ओवरडोजिंग। सिक्स मतलब वंस अ वीक आप कैप्सूल लेते हो और टोटल 6 लेके बंद कर दें। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ कि इंटॉक्सिकेशन किसी चीज की अच्छी नहीं होती, तो 6 कैप्सूल लेके बंद कर दें, बंद करते हैं। और बी केयरफुल कि आपने जो है वो कितने लिए हैं। हमारा कंप्लीट हो गया डाइट चार्ट, मैं आगे आ जाती हूँ ताकि जाने से पहले आपको हम जिंजर के क्या क्या फायदे हैं बता दें। जी मेहरी सुंदर, बिल्कुल आज होम रेमेडीज जो हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम जिंजर गार्लिक को किस तरीके से जो है डिफरेंट बीमारियों के लिए, क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन जो है हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करते हैं, उसमें जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनको न्यूट्रिशनली किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, उनको हेल्प आउट किया जा सकता है, वो हम बीच में देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जिंजर गार्लिक बहुत ज़्यादा एक एंशियंट हमारे पास फूड है और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बुनियादी तौर पर किन किन चीज़ों के लिए ये ज़्यादा बेहतरीन है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास जो है एक डिजीज एक आ जाती है जिसमें जिंजर गार्लिक हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा कुछ लोगों का यूरिक एसिड बहुत जो है तो ज्यादा हो जाता है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाता है, हम उनसे कहते हैं कि ये चीजें ना खाएं, लेकिन ये नहीं बताते कि क्या चीजें खाएं कि जिससे आपका यूरिक एसिड जो ऑलरेडी इंक्रीज है वो आपका कम होता रहे। फिर इसके अलावा स्किन के लिए जो है किस तरह से रेमेडीज यूज हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन कुछ लोगों को हो जाती है जो स्पोर्ट्स में कुछ लोग हैं या बच्चे हैं गिर जाते हैं या उनको कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम हो गया है, चोट लग गई है, तो वहां पर उनके लिए हेल्प आउट हो सकता है।
डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और फिर वो लोग जिनको स्टमक इश्यूज़ हैं, जैसे आपने प्रोग्राम में बात की थी कि स्टमक के लिए गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इनडाइजेशन के लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों कहा जाता है कि आपने कोई हैवी ईटिंग की है, आपने कोई हैदराबादी कढ़ाई टाइप चीज़ ली है तो उसके पीछे आप कावा पिए, ज़्यादा स्पाइसी जो फूड होता है उसके पीछे हम कावा और हनी लेमन इस तरह की चीज़ें लेते हैं ताकि उसका असर थोड़ा सा हमारे पास डाइल्यूट हो जाए। फिर कोल्ड एंड फ्लू में आगे जो है कॉलर ने बात भी की थी कि कोल्ड एंड फ्लू में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एंड कोई टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है वेट लॉस। मेरे ख्याल से ये आज से 50-60 साल बाद भी मैं ये वेट लॉस का इशू खत्म होते कहीं नहीं देख रही, ये चीज कहीं बल्कि बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये बढ़ते हुए हम इसको देख रहे हैं, वेट लॉस का इशू बढ़ता जा रहा है इंस्टेड ऑफ के कम हो। ठीक है अच्छा जी, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर इस तरह का कोई प्रॉब्लम, अच्छा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ उनका बीपी तो नॉर्मल है लेकिन अक्सर यंग लोगों को देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल उनका ज्यादा होता है, वो इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जिंजर आपने लेनी है 1 टेबल स्पून, आप इसको रॉ जिंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप जिंजर का जूस निकाल लेते हैं तो वो भी 1 टेबल स्पून यहाँ पर इजिली चल सकता है। अच्छा जी, उसके साथ में आपने गार्लिक ले लेनी है, गार्लिक आपने ली 1 टेबल स्पून, अगेन गार्लिक जूस भी हो सकता है और आप इसको वैसे भी पेस्ट बना के 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। इसके साथ आपने 2 टेबल स्पून आपने लेना है लेमन जूस, ठीक हो गया। उसके साथ आपने एप्पल साइडर विनेगर आपने उठा लेना है 1 टीस्पून, और उसके साथ आपने 1/4 टीस्पून आपने ले ली हनी की, ठीक है। अब इन तमाम चीजों को आपने प्रॉपरली जो है तो ब्लेंड कर लिया, बेशक इसको जो है आप एक पेस्ट बना के आप फ्रिज में रख लें, 2 या 3 दिन आराम से फ्रीज करना चाहते हैं फ्रीजिंग में भी आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टाइम जो है जिस टाइम पे हम जिंजर को कंज्यूम कर रहे हैं इसका जो सबसे आइडियल न्यूट्रिशनली जो आइडियल टाइम है वो है एम्प्टी स्टमक या फिर आपका जो लेट नाइट आप सोने से पहले लेते हैं। रीजन इसकी इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है, तो जैसे बिफोर स्लीपिंग, हाँ जी बिफोर स्लीप भी आप ले सकते हैं और एम्प्टी स्टमक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो जिंजर है उसकी एब्जॉर्प्शन और गार्लिक के साथ जब हम इसका कंट्रास्ट करते हैं तो ये एम्प्टी स्टमक के जो टाइमिंग्स है उसकी एब्जॉर्प्शन के सबसे बेहतरीन टाइमिंग्स हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप कोई टी या कुछ उसमें यूज कर रहे हैं तो या तो एम्प्टी स्टमक बिफोर आप ब्रेकफास्ट लें या फिर आप अपने बेड टाइम पे ले सकते हैं, इसको प्रॉपरली आपने ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कोल्ड एंड फ्लू की तरफ। कोल्ड एंड फ्लू में कैसे यूज करना है, आपने 1 टीस्पून ले लेना है फ्रेश लेमन जूस, ठीक है फ्रेश लेमन जूस आपने 1 टीस्पून लिया। सबसे पहले आपने 1 ग्लास वार्म वाटर ले लिया, ठीक है वार्म वाटर में आपने 1 टीस्पून आपने फ्रेश लेमन जूस ऐड किया, उसके साथ आपने 1 बल्ब तकरीबन 1 इंच आप इसमें गार्लिक की ले लें, 2 टेबलस्पून आपने इसमें ले ली जिंजर की, ठीक है फिर उसके साथ में आपने 2 टेबलस्पून ले लिया यहाँ पर हनी, और इसके साथ में थोड़ा सा आपने सिनेमन पाउडर ले लिया और इसको वाटर में आपने अच्छे से जो है वार्म वाटर में मिक्स कर दें, और दिन में आप 2 से 3 मरतबा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आ जाते हैं बिफोर द टाइम एंड्स, मैं जल्दी से वेट लॉस की भी बता दूं, आई नो मुझे वार्निंग आ गई है, क्या है बताएं बताएं। वेट लॉस के लिए बस हमने 1 ग्लास जो है हमने ले लिया लेमन वाटर, ठीक है साथ में हमने 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर ऐड किया, 2 टेबलस्पून हमने गार्लिक ऐड किया, विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर 2 टीस्पून हमने ऐड किया, ग्रीन टी के जो लीव्स हैं वो हमने ले लिया, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, इसको प्रॉपरली ब्लेंड करके दिन में 2 से 3 मरतबा विद अ प्रॉपर थोड़ी सी बैलेंस कैलोरीज आप यूज करें, वेट लॉस आपका ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस होता जाएगा। अच्छा महरीन जो है हमें बहुत अच्छे टिप्स बताती हैं, लेकिन मैं ये आपको साथ साथ बताती चलूं ये महरीन के बाकी डाइट प्लान्स भी आपने जो है वो मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं वो कैसे करें, जो लूज करना चाह रहे हैं कैसे करें, फिर शुगर के पेशेंट्स कैसे करें, ब्लड प्रेशर के कैसे करें, तो हम ये आपको एक जनरल रेमेडी बता रहे हैं, लेकिन इसको आपने जिस तरह भी महरीन ने कहा कि प्रॉपर डाइट के साथ इस्तेमाल जो है वो करना है, और दिस इज जिंजर एलिमेंट। थैंक यू सो मच महरीन, हमेशा आपके बड़े हिट फॉर्मूले होते हैं, और ये भी एक सद कह जा रही है, सबको पता चलता है, आगे भी बताएं और हर किसी का भला होगा। थैंक यू सो मच शेबानो, थैंक यू नायला, थैंक यू शेफ हिना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ताला हम सबको अपने जमान में रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने जमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।